हाई क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम इंटीग्रल्स फाइंड आउट करेंगे। एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपको बनाना है साइन 2x dx का, ठीक है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ये जो कैपिटल एफ एक्स होता है, ठीक है, और प्लस सी, यहाँ से कैपिटल एफ एक्स को हम इंटीग्रल बोलते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सपोज अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, किसका निकालना है मुझे, दिस इज ए फंक्शन साइन एक्स, तो आप बताओगे कि सर कॉस एक्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पर बेटा, फंक्शन था, और यहाँ पर ये जो फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन करने पर मेरे को डेरिवेटिव मिला था। क्या मिला था, डेरिवेटिव मिला था, ठीक है। आ रहा हूँ अभी उस क्वेश्चन पे। अब इसको डेरिवेटिव को हम इधर रखते हैं इंटीग्रेशन साइन के अंदर और डी एक्स लेते हैं कॉस एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यार, एफ एक्स प्लस सी करूंगा। तो यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, दिस इज डेरिवेटिव, दिस इज व्हाट, डेरिवेटिव। और मुझे यहां क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहां से इसका एंटी डेरिवेटिव, जिसको मैं इंटीग्रल बोलता हूं विद द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। यही तो बताया था मैंने आपको। तो आपको करना क्या है बेसिकली, अब आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना है, ठीक है, जैसे यहीं पर आते हैं वापस, आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिले, ये कॉस एक्स मिले। अब आपको रिवर्स सोचना है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ऐसा फंक्शन जो होगा वो साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स आपने लिया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप, इसका डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और एफ एक्स इक्वल्स टू ये डी वाई डी एक्स उधर जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आएगा। देखो आपको इसी की वैल्यू चाहिए थी, कॉस एक्स और डी एक्स ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो यहाँ से मेरे पास ये जो एफ एक्स आ गया, ये जो एफ एक्स आ गया मेरे पास, वापस क्या आ गया, साइन एक्स। यानी साइन एक्स का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव मिल रहा है, इस डेरिवेटिव का दोबारा से, ठीक है, मेरे को वापस यहाँ पर जो एफ एक्स मिल रहा है, यानी एंटी डेरिवेटिव मिल रहा है, वो साइन एक्स मिल रहा है, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं, और इस एक्सरसाइज में हम लगाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैंने आपको बताया कि मेरे को सबसे पहले क्या सोचना है, ठीक है, आप लिख सकते हो ये बात स्टेप वन में, वी थिंक ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिले मुझे, साइन टू एक्स। अब ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डिफरेंशिएशन लेने पे आपको क्या मिले, साइन एक्स मिले। तो आप कहोगे सर कॉस एक्स, कॉस, अच्छा, और यहाँ पे जो एक्स है ये कितना है, टू एक्स। अब इसका सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डी वाई डी एक्स करना है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का कितना होता है, इसको मैं एक्स पढ़ रहा हूँ, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और डी वाई डी एक्स किसका होगा, एक्स इसका भी होगा, है ना। तो डी वाई डी एक्स ऑफ, ऐसे दिखा हुआ है ना, डी वाई डी एक्स ऑफ टू एक्स का, तो वो कितना हो जाएगा, इन टू टू। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के टू साइन टू एक्स, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन टू एक्स की वैल्यू चाहिए, देखो साइन टू एक्स की वैल्यू चाहिए डी एक्स। तो ये डी एक्स इधर आ जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, डी वाई डी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टू कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर रख सकते हैं, साइन टू एक्स डी एक्स। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये माइनस टू, ठीक है, ये अनडिजायर्ड है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा, देखो ना वैल्यू तो मेरे को खाली इसकी चाहिए ना, है ना, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा माइनस टू को। अब माइनस टू को हटाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर माइनस के वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर भी माइनस के वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 1 बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। देखो तो माइनस के 1 बाई टू एफ एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गई साइन 2x dx। यानी कि मैंने एंटी डेरिवेटिव फाइंड हो गया इसका, ये एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव है जिसको हम इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस के 1 बाई टू एफ एक्स, माइनस के 1 बाई टू एफ एक्स, और एफ एक्स बेटा क्या माना हुआ था, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स, और प्लस सी जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में क्या करा हुआ है कि प्लस टू नहीं किया हुआ,
प्लस सी नहीं किया हुआ, सॉरी, ठीक है। तो वो प्लस सी आपने कांस्टेंट जरूर दिखता है, ठीक है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ठीक है। दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड दिस सी इज व्हाट, ए आर्बिट्री कांस्टेंट विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो एक फंक्शन सोचना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ये दो स्टेप आपको सोचना है। कॉस 3x dx का, देखो मैंने आपको बताया था इसको हम क्या मानेंगे, एफ एक्स प्लस सी। ये जो एफ एक्स होता है इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रल। और ये जो यहाँ पर होता है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंट, इंटीग्रेंट या फिर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक। और ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव से मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल मिलेगा, यानी एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। और इस, और ये सी क्या होता है, एक बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। और इस होल प्रोसेस को हम करते हैं जब, तो बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एफ एक्स है, अब मुझे एक ऐसा फंक्शन सोचना है, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे क्या मिले, कॉस 3x मिले, ठीक है। अब आप खुद बताओ स्टूडेंट, एक ऐसा फंक्शन खुद सोचो कि जिसका dy/dx आप लोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स मिलेगा, एक्स का मतलब 3x है ना। तो आप कहोगे कि सर साइन एक्स, तो साइन एक्स, और एक्स कौन है, 3x। सोच लिया आपने फंक्शन, पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप मान लो ना इसको, सेकंड स्टेप, ठीक है, ऐसे आपको लिख के दिखा सकते हो, डू नॉट वरी। सेकंड स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इसका dy/dx करोगे, फंक्शन सोचोगे या थिंक करोगे, और थिंक करने के बाद आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, थिंक करोगे और उसी फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, बस ये चल रहा है इंटीग्रेशन में, ये करना है आपको, ये स्टेप याद कर लो। साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, और इस एक्स का भी होगा कितना आ जाएगा, 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉस 3x dx उधर चला जाएगा विद साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये 3 बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट। देखो वैल्यू आ गई, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए कॉस 3x dx की, कॉस 3x dx की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये 3 आ रहा है, क्वेश्चन में 3 नहीं है ना, तो हटाना है, तो 1/3 ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, देखो ये कट गया। तो 1/3 एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस 3x dx, कितनी वैल्यू आई बेटा, 1/3 एफ एक्स, यहाँ रखो, इधर कर देते हैं, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/3 एफ एक्स है ना, तो 1/3 एफ एक्स, और एफ एक्स कौन है बेटा, साइन 3x प्लस सी। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 1/3 साइन 3x प्लस सी। और एनसीईआरटी में इन्होंने 1/3 साइन 3x प्लस सी नहीं इन्होंने ऐड किया, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पे कर रहे हैं, तो आप सी को जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि सी क्यों आता है यहाँ पर। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड लक।